फ्यूचर बेटा कॉस्ट इनकम जो भी कि मैं फ्यूचर के मुझे कैश फ्लो से रिलेटेड होगा, पास्ट इज अ संक कॉस्ट, पास्ट इज अ संक कॉस्ट, उससे मेरे डिसीजन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिस्पेक्टिवली। बेटा ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि पास्ट की है, मगर हो सकता है इससे कुछ लिंक चीज दी हुई हो मुझे। सर वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट टू ईयर्स वर अमाउंटेड टू 6 मिलियन एंड 7.08 मिलियन रिस्पेक्टिवली, ये अमाउंट भी लास्ट 2 साल की दी हुई है। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन रेंट एंड डेप्रिसिएशन, बेटा रेंट ऊपर आपको दिया हुआ और डेप्रिसिएशन का भी डेटा आपको ऊपर दिया है, लेकिन इसका अभी तक बताया नहीं है कि डेप्रिशिएट किस अमाउंट पे करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट अदर देन रेंट एंड डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट टू ईयर्स वर अमाउंटेड टू रुपीज 5 लाख एंड 5,25,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर 9 मिलियन ईयर टू में था तो सर जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ हुआ है मेरा एक एक्स अमाउंट से, तो सर वही मेरा जो है फ्यूचर में ईयर 3 के लिए भी चलेगा, फिर ईयर 4 के लिए भी चलेगा और ईयर 5 के लिए भी चलेगा। मतलब बेटा आपने एक परसेंटेज इंक्रीज देखना है किस रेट से ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट का भी आपने यही देखना है और फिक्स कॉस्ट का भी आपने यही देखना है। शुरू के 4 पॉइंट में मेरा खाली है, चौथा पॉइंट मेरे ज्यादा काम का था, ठीक है। रेंट एग्रीमेंट वुड रिक्वायर 3 मंथ्स नोटिस पीरियड, मतलब बेटा नोटिस पीरियड का मतलब ये होता है कि या तो मैं उनको पहले से बता दूं कि भाई 3 महीने बाद मैं खाली कर दूंगा, उनको नोटिस भेज दोगे कि भाई मैं 3 मंथ्स खाली कर दूंगा, या आप अभी खाली कर दो तो अगले 3 महीने का रेंट आपको पे करना पड़ेगा, इसका ये मतलब होता है। फिर से कह रहा है एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% एंड टैक्स इज पेबल इन द ईयर इन विच लायबिलिटी अराइजेस, बेटा ये लाइन मेरे बहुत काम की रही, टैक्स इज पेबल इन द ईयर इन विच लायबिलिटी अराइजेस, मतलब अगर इस तरह का सवाल हो तो मैं इसके ना डेप्रिसिएशन पहले ब्लेस करके फिर वापस एड बैक करके मैं इतनी लंबी खुआरी पर नहीं जाऊँगा, मैं बस एंड में एक टैक्स बेनिफिट जो होगा डेप्रिसिएशन का वो इंक्लूड कर लूँगा। बट ये याद रखना ये वो चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आपका टैक्स लायबिलिटी एंड पेमेंट इन द सेम ईयर हो, ठीक है। सर टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 25% आरबीएम पे आपका डेप्रिसिएशन होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एजी 16% आपका डिस्काउंट फैक्टर है जिससे आपको उसको डिस्काउंट करना है। बेटा मेरे हिसाब से बहुत ही निहायत ही आसान सा सवाल था ये वाला आप लोगों का, और इसके अंदर आपको कोई इतना वो नहीं था, 16 नंबर लास्ट अटेम्प्ट में दे दिए गए थे, ये मेरा था फ्री के मार्क्स है कि लो बेटा पास कर लो पेपर। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। सर पहले मैं क्या करूँ, सर पहले मैं थोड़ी बहुत वर्किंग करता हूँ। सर मैं क्या वर्किंग करूँ, सर पहले तो मुझे सर डेटा चाहिए क्या ये ईयर 1 ईयर 2 से जो लेके जो लिंक होके मेरे फ्यूचर में जो डेटा जा रहा है वो कितना है। सर पहले तो है मेरे पास एक रेंट, सर मेरे पास एक है ईयर 1, सर ईयर 1 में रेंट मेरे पास ने का कितना है बेटा 6,00,000, और सर ये मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने से हो रहा है, इंक्रीमेंट हो या इन्फ्लेशन हो, सर वो रहा है 10%, मतलब 1.1 कर लूँ इसको तो सर मेरे पास आ जाता है 6,60,000। मतलब बेटा ईयर 2 में मेरे पास जो आपका 6,60,000, मतलब बेटा ईयर 2 का जो मेरा रेंट होगा मेरे का पूरा 6,60,000 मैंने पे किया होगा पूरे साल का रेंट। फिर सर मेरे पास आ गया क्या, फिर सर मेरा एक इंक्रीमेंट आ गया 1.1 का, तो सर मैंने ईयर 3 के अंदर मेरे पास जो रेंट है सर वो मेरे पास आ गया आपका 726,000 का। रुके सर मैं इसको जरा डिफरेंट पेन से करता हूँ ईयर 3 से, क्योंकि सर मेरे पास जो है ना ईयर 3 के बाद मेरी चीज़ें काम की हैं 726,000। फिर सर मेरे पास एक इंक्रीमेंट हुआ वापस वही सर 10% से,
क्योंकि सर आपका रेंट हर साल 10% से बढ़ेगा, तो इसलिए मेरे पास आ जाएगा 798,600, और सर ये आपका आ जाएगा ईयर 5, ईयर 3 मेरे काम का, ईयर 3 फिर सर ईयर 5 में सर वही 10% से आपका होगा, तो सर आपका ईयर 5 का आ गया कितना, 8,78,460 रुपये का रेंट। बाकी क्या है सर मेरे पास, सर बाकी मेरे पास सर 3-4 कॉस्ट और हैं। कौन सी है सर, एक सेल्स है मेरे पास, एक सर वेरिएबल कॉस्ट है और एक फिक्स कॉस्ट है। सर इनका भी सर डेटा मैं इधर ही कर लेता हूँ। सर सेल्स मेरे पास कितनी है, सर सेल्स मेरे पास कह रहा है सर मेरे पास ईयर 1 में थी 7.5 मिलियन, ईयर 2 में थी 9 मिलियन, बेटा मेरे पास यहाँ पर थी 7.5 मिलियन की, और सर इसको मैंने किसी एक परसेंटेज से इंक्रीज हुई होगी जो मुझे नहीं पता, तो उसके बाद ईयर 2 में आ गई बेटा 9 मिलियन। तो सर मैं इसको किस तरीके से निकालूँ, सर इजी है सर, 7.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक्स, 7.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 9 मिलियन, तो बेटा एक्स को आता है 1.2, या मैं एक्स कर लूँ या सर मैं इसको ये करूँ कि सर 7.5 मिलियन, जैसे एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, सर मैं इसको कर रहा हूँ 7.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय कोई सर 1+x सर एक परसेंटेज होगी जिसकी वजह से हमें पता गया 9 मिलियन, तो सर मैं इसको करूँगा 1+x इज इक्वल्स टू 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 7.5 मिलियन, तो आपके पास x आ जाएगा 1+x इज इक्वल्स टू 1.2, और सर x आपके पास आ जाएगा 1.2 - 1 इज इक्वल्स टू 20%, मतलब बेटा आपका 20% का जमा है 7.5 मिलियन को अगर आप 1.2% से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो बेटा आपके पास जाके 9 मिलेगा, मतलब बेटा आपका यही जो है सिनेरियो यही आपके कंटिन्यू होता रहेगा जो उसने आपको फोर्थ पॉइंट में कहा था, द ट्रेंड इन सेल्स फ्रॉम यू आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, ना फ्यूचर में आपका यही कंटिन्यू ही रहेगा। तो सर ज़रा मैं इसका देख लूँ कि मेरे पास मतलब 1.2, तो सर ईयर 3 में, सर ईयर 3 में मेरे पास जो सेल्स आपकी आएगी वो आएगी बेटा 10.8 मिलियन, और सर फिर वही आपका 1.2 20% से आपका बढ़ेगा, तो बेटा आपके पास ईयर 4 में होगी 12.96 मिलियन की, और सर आपके पास ईयर 5 की सेल्स आ जाएगी 15,15,552,000। सर ये आपका आ गया सेल्स का डेटा, ठीक है। अब सर क्या करें, सर बाकी दो चीज़ें और हैं, सर वो चीज़ें क्या हैं, सर वो है आपके पास एक वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ले लेते हैं बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट सर मेरी ईयर 1 में कितनी थी, सर ईयर 1 में मेरे पास थी 6 लाख, फिर हो गए सर 7,80,000, तो ये 6 लाख रुपए थी मेरे पास, ये भी सर एक मल्टीप्लाई बाय एक स्पेसिफिक परसेंटेज से हुई होगी, इसके बाद सर ये हो गई 7,80,000 की। तो सर इसका भी सर मैं उसी तरह ही करूँगा, किस तरह करेंगे सर, सर इस काम करेंगे सर 0.6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय सर एक एक्स होगा, जिसकी वजह से आके क्या हो गया होगा मेरा सर 7.0708 मिलियन, तो सर आपके पास जो एक्स आएगा सर वो आपके पास आ जाएगा कोई 18% का, 1.18 आएगा तो आपके पास 18% का आ जाएगा ये। तो सर अब मैंने जो उसको इन्फ्लेट करना है सबको सर 18% से करना है, फ्यूचर में सर ट्रेंड मेरा 18% से ही कंटिन्यू होगा, तो सर मेरे पास ईयर 3 की जो वेरिएबल कॉस्ट है सो आपके पास आ जाएगी कोई 8,54,400। फिर सर मेरे पास क्या है, फिर सर वापस मैं सो करूंगा 1.18 से मल्टीप्लाई, ताकि सर ईयर 4 की वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास आ जाए, सर वो मेरे पास आ जाएगी 9,858,192 की, और सर फिर मैंने 18% से इन्फ्लेट करना है तो मेरे पास आ जाएगी आपकी 11,632,667 मिलियन। सर ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब सर मेरे पास क्या रह गया, सर मेरे पास एक आखिरी चीज रह गई, वो रह गई सर फिक्स कॉस्ट की। सर फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी थी सर ईयर 1 में, सर फिक्स कॉस्ट मेरी ईयर 1 में आपके पास थी कुछ गिवन है यहाँ पे, सर ये रहा फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर वर अमाउंटेड टू 5 लाख, और सर ईयर 2 में आपकी हो गई थी 5,25,000। तो सर मैंने भी इसका सर इसी तरह ही करना है, फिक्स कॉस्ट सर आपके पास 5 लाख थी ईयर 1 में, फिर सर आपके पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज थी, उसके बाद सर आपके पास हो गई थी 5,25,000 की, 5,25,000
बेटा ईयर टू में। तो सर इसका भी सर मैं फॉर्मूला निकालूँ सर, ये मेरे पास मैंने सेल्स की वर्किंग की थी, ये सर मैंने वेरिएबल कॉस्ट की थी, और सर फिक्स कॉस्ट की भी इसी तरह ही होगी सर, 5,00,005 मिलियन मल्टीप्लाई सर एक एक्स की अमाउंट थी तो मेरे पास क्या आ गया था सर 0.525 मिलियन। तो सर एक्स मेरे पास कोई आ जाएगा आपका 5%, मतलब बेटा 1.05% से मेरा इसका ट्रेंड चला है। तो सर मैं कंटिन्यू भी इसको 5% से ही करूँगा। तो सर ईयर थ्री के ऊपर मेरी जो फिक्स कॉस्ट जो अदर देन रेंट एडिशन आएगी सर वो आएगी 551,250। जैसा मैंने इसको वही 5% से इन्फ्लेट करना है तो ये मेरे पास आ जाएगी 578,813। और सर ईयर फाइव के अंदर मेरे पास जो आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी वो आएगी सर 6,07,753। सर रेंट भी हो गया, सेल्स भी हो गया, वेरिएबल कॉस्ट भी हो गई, फिक्स कॉस्ट भी हो गई, सर अब बस एक चीज की वर्किंग रह गई मेरी सर, वो है डेप्रिसिएशन। तो सर हाथों हाथ में जरा डेप्रिसिएशन को भी कर लेता हूँ। तो सर डेप्रिसिएशन आपका क्या आएगा सर, डेप्रिसिएशन में सर आपको बोला था 5 मिलियन की है, यूजफुल लाइफ है 5 साल की, 1 मिलियन की उसकी रेसिडुअल वैल्यू है, और सर ये मेरे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आई होप आपका FR2 या FR1 आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हम रेसिडुअल वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, और सर टैक्स वाले हमें देते भी RBA मेथड पर ही हैं। तो सर जरा इसका वर्किंग करते हैं हम इसकी आपकी। डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन की सर आपके पास ईयर जीरो पे आपने ली मशीनरी 5 मिलियन की पे सर आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ ईयर वन का, सर ईयर वन का आपके पास जो डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ एट द रेट 25%, तो सर ये हुआ आपका 1,250,000। तो सर आपके पास जो WDV जो सर ईयर वन पे आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू बची सर, वो आपके पास आ गई कोई 3,750,000 की। फिर सर आपके पास सर ईयर टू का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ईयर टू का भी डेप्रिसिएशन सर आपको 25% पे आपको अलाउ होगा, तो सर वो आपका आ जाएगा कोई 9,37,500 का। तो सर इसको आप जब 3.75 से माइनस करेंगे तो सर आपके पास ईयर टू के एंड पे जो सर रिटर्न डाउन वैल्यू जो आएगी सर वो आएगी कितनी 2,812,500। मतलब बेटा एक चीज़ थी जिसके हिसाब से मैंने उसके ऊपर आज तक एक ये वाला रिलीफ ले लिया, एक ये वाला रिलीफ ले लिया पास्ट के अंदर, और अब जाके वो 2.8 मिलियन की इक्विपमेंट हो गई थी जो मैं 4 मिलियन में बेच सक रहा हूँ अभी, जो यहाँ पर आपका ये गिवन था जो पॉइंट के अंदर के इट कैन बी सोल्ड फॉर 4 मिलियन। मतलब बेटा इसके अंदर आप जब इसको डिसकंटिन्यू कर रहे होगे तो टैक्स गवर्नमेंट टैक्स अथॉरिटी वाले फ़ौरन आएंगे, कहेंगे भाई तुम 4 मिलियन का ये बेच रहे हो, हम तुम्हें ऑलरेडी आपको 1.25 मिलियन और 97.5 मिलियन इसका जो है पास्ट में आपको इसका अलाउंस दे चुके हैं, तो आपके हिसाब से हमारा ये 28 लाख की चीज़ आप 40 लाख में बेच रहे हो तो जो आपको 11 लाख रुपये का ऊपर फ़ायदा हो रहा है ना करीब, उसका आप हमें टैक्स पे कर दो। तो सर ये टैक्स हमसे वहाँ पे टैक्स अथॉरिटी को पे करना होगा। तो सर जब मैं इसको डिसकंटिन्यू वाली चीज़ बना लूँगा तब इसको हम और अकाउंट फॉर करेंगे। तो सर फिर अब मेरे पास आ गया ईयर थ्री, सर ईयर थ्री से मेरे पास चीज़ें हो जाएंगी चेंज, क्योंकि सर ये मेरे पास होगी रेलिवेंट फॉर कंटिन्यूइंग द डिसीजन। तो सर ईयर थ्री पे भी सर मेरे पास डेप्रिसिएशन लगेगी 25% पे, तो सर आपके पास इसकी 25% डेप्रिसिएशन आ गई सर कोई 7,03,125 रुपये की, और सर आपके पास ये WDV आ गई कोई 2,109,375। तो सर ये आपके पास आ गई ईयर थ्री पे रिटर्न डाउन वैल्यू। फिर सर ईयर फोर पे सर मुझे डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, फिर रिलीफ मिलेगा। डेप्रिसिएशन सर कितना है आपके पास, सर डेप्रिसिएशन मेरे पास आ रहा है ये आपका 5,27,344 रुपये का। तो सर रिटर्न डाउन वैल्यू जो सर ईयर फोर के एंड पे जो सर रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी रह गई सर, वो मेरे पास रह गई 1,582,031। मतलब सर अब एक चीज़ है जो मेरे पास उसकी WDV मेरे हिसाब से 15,82,031 रुपये की है। मैंने कहा यार मेरे पास की ये वर्थ है, अभी इतने की बिकनी चाहिए, तो सर मैं लास्ट ईयर में हमेशा बैलेंसिंग चार्ज लेता हूँ, मैं डेप्रिसिएशन नहीं लेता, मैं बैलेंसिंग चार्ज लेता हूँ कि और कितना मजीद फर्दर बैलेंस है जो मुझे टैक्स अलाउ करेगा। तो सर मैं हमेशा लास्ट ईयर के अंदर ले लेता हूँ उसकी सेल प्रोसीड,
सेल प्रोसेस से मुझे पता चल जाता है मुझे क्या फर्दर डेप्रिसिएशन, मुझे क्या रिलीफ मिलेगा या मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। तो सर मैंने इसको ला के 1 मिलियन का बेच दिया लास्ट ईयर पे, तो सर मेरे पास कोई 5,82,031 रुपए का ऐसा रिलीफ था जो मुझे फर्दर गवर्नमेंट से मिलेगा इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। जब मैं अपनी टैक्स की वर्किंग्स कर रहा हूँगा तो मैं ये खर्चा दिखा रहा हूँगा कि यार मैंने जो है एक मशीन 5 मिलियन की ली थी, उसके ऊपर आपने मुझे आज तक ये 1, 2, 3 और ये 4 खर्चे मुझे जब आपने अलाउ करे पास्ट के अंदर, तो उसकी एक वैल्यू मेरे पास 15,82,000 रह गई थी। बट लेकिन जब मैं ईयर 5 पे आके इसको बेच रहा हूँ तो मुझे उसके खाली 1 मिलियन मिल रहे हैं, तो भाई ये 5,82,000 है, इसका भी रिलीफ मुझे आप दे दो। तो सर मैं अब इसके ऊपर क्या करूंगा सर, यहाँ पर सर मैं जो हूँ ना इनको, या तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो मैं हर साल में ये चीज़ें तीनों माइनस करता रहूँ और फिर उसके बाद जाके उसको ऐड बैक करूँ, या तो सर मैं डायरेक्ट क्या करूँ, डायरेक्ट मैं आपका इसका टैक्स रिलीफ निकाल लेता हूँ। सर मैं उसका टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा इन चीज़ों के ऊपर, टैक्स रिलीफ एट द रेट 30%, टैक्स रिलीफ एट द रेट 30%। सर ईयर 1 ईयर 2 सर मेरे नॉट रेलिवेंट है, नॉट रेलिवेंट, क्योंकि सर मैंने करना ही आगे से यहाँ से ना। तो सर ईयर 3 पे जब सर मुझे 7,30,000, तो सर 30% का जैसा मुझे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, तो सर वो मुझे टैक्स में कोई सेविंग होगी 2,10,938 रुपये की। सर ईयर 4 पे मुझे टैक्स का रिलीफ मिलेगा 158,203 का, और सर मुझे सॉरी ये आपकी सेल प्रोसीड्स पे नहीं सर, ये आपके इस पे होता है आपको फर्दर रिलीफ होगा सर, ये आपका डेप्रेशन की तरह फॉर्म में अकाउंट फॉर होगा, तो सर ये आपका आएगा 174,609। सर ये तीन रिलीफ आपको मिलेंगे ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 के ऊपर। सर यहाँ पे लगो हाथ अगर मैं करता हूँ कि इफ डिसकंटिन्यू, तो सर मेरे पास एक सेल प्रोसीड आ रही है, सर वो आ रही है मेरे पास 4 मिलियन की, और सर WDV एट द रेट ऑफ ईयर 2 पे सर कितनी WDV है, सर उसकी WDV थी 2,812,500 की, 2,812,500 की। तो सर मैंने इसके ऊपर एक एक्सेस आपका अलाउंस ले लिया है, वो आ रहा है कितना, मतलब वो आपका आता है 4 मिलियन में से आप 2,812,500 माइनस करें तो सर 1,187,500। बेटा ये एक एक्स्ट्रा एक ऐसा रिलीफ है जो आपको एक गेन मिल रहा है, जिसके ऊपर आपको वो कहेगा भाई इसके ऊपर टैक्स पे कर दो, तो सर इसके ऊपर टैक्स आप पे करोगे 30% पे, तो सर ये आपका कोई आ जाएगा कितना, सर ये आपका आएगा 356,250 रुपये। सर डिस्कंटिन्यू वाले के लिए चीज़ आएगी, अब सर हर चीज़ मेरे पास हो गई है और सर इसका मैं सुकून से कर लेता हूँ इसका आंसर। सर आंसर मेरे पास दो ऑप्शन है सर, एक तो है इफ डिसकंटिन्यू, अगर सर मैं आज डिसकंटिन्यू कर लेता हूँ तो सर मुझे मिल जाएगी सेल प्रोसीड ऑफ इक्विपमेंट, सर सेल प्रोसीड ऑफ इक्विपमेंट मुझे मिल गई बेटा 4 मिलियन की, बाकी सर एक टैक्स ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट दूसरा आपके पास कहां से आया सर, यहां से आएगा, तो सर 356,250 आप सर गवर्नमेंट को पे कर दोगे। बाकी सर एक मुझे इसने यहां पे कुछ कहा हुआ था रेंट की टर्मिनेशन के ऊपर कि सर फर्दर टर्मिनेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट वुड रिक्वायर 3 मंथ्स नोटिस पीरियड, सर मेरे को 3 महीने का रेंट का एक पे करना पड़ेगा, तो सर मेरे पास ईयर 3 के अंदर रेंट कितना है, सर ईयर 3 का सर पूरा एनुअल रेंट मेरे पास आता है सर 7,26,000 का, तो सर मुझे 3 महीने का करना है 7,26,000 और सर 3 महीने का रेंट है,
तो सर मुझे एक बात बताएं, क्या सर ये 3 महीने का रेंट या पूरा पूरा मैं ले लूंगा? जी सर, पूरा पूरा 3 महीने का रेंट लेना है, बट सर क्या ये रेंट के अगेंस्ट मुझे कहीं पर कोई बेनिफिट मिलेगा? सर मैं हमेशा अज्यूम करता हूँ मेरे कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर ये एक्सपेंस मेरा क्लेम हो जाएगा, तो वहाँ पर मुझे एक टैक्स बेनिफिट मिल रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से 30% का। तो मतलब सर मेरे जेब से जो नेट कैश आउटफ्लो हो रहा होगा ना, मेरे पास कैश जा रहा होगा सर, वो कितना जा रहा होगा? सर वो 70% जा रहा होगा, 70%। सर 30% तो सर मैं गवर्नमेंट से ले रहा हूँ। अगर सर सपोज कर ले 100 रुपए है, 100 रुपए का सर मेरा रेंट है, सर मैंने 100 रुपए जाके पे कर दिए किसको? ओनर को। ओनर को सर मैंने 100 रुपए पे कर दिए। सर गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कहेगी यार ठीक है इसका ये अलाउेबल एक्सपेंस है रेंट का, इसके तुम 30 रुपए का टैक्स हमसे ले लो। तो सर मेरा नेट गवर्नमेंट से जब सर मैं 30 रुपए मुझे मिल जाएंगे, या मैं दूसरी जगह पे मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा वहाँ मुझे गवर्नमेंट रिलीफ देगी, तो सर मेरा नेट आउटफ्लो कितना हो रहा होगा? सर 70 रुपए का हो रहा होगा। तो सर ये मेरे लिए बाकायदा एक क्या है, एक बेनिफिट किस्म का है, मेरा इनफ्लो है कि 30% मुझे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ मिलेगा। तो सर मेरे पास जो आपका रेंट आ जाएगा सर, वो आपका असल खर्चा है 1,27,050 रुपए का। तो सर आपके पास जो नेट कैश हाथ में आएगा, अगर आप अभी के अभी ये से चीज सब कुछ बेच काच के खत्म कर दो, तो सर 35,16,700 रुपए आएंगे। अब सर सवाल में इससे मुझे कहा था, अब दो चीजें आपको गौर करनी है, क्या करनी है सर, कि कंटिन्यू टू ऑपरेट करें या डिसकंटिन्यू कर दे। अब सर मैंने एक चीज़ तो देख ली डिसकंटिन्यू पे, वो मुझे 35 लाख रुपए बच रहे हैं। अब सर देखते हैं, अगर सर मेरे को 3 साल तक और चलाता हूँ तो सर मुझे क्या मिलता है? तो 3 साल चलाने के लिए सर मुझे एक वर्किंग करनी पड़ेगी, इसकी सर एनपीवी वाला आपको पता होगा कि सर नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सर मेरे पास एक है ईयर वन, एक है सर ईयर टू, फर्दर बेटा मुझे 3 साल के लिए करना है ईयर थ्री। सर मैं ले लेता हूँ इसकी, आपका अल्लाह भला करे, सेल्स। सर सेल्स कहाँ से लूँ? सर मैंने सब चीज़ें काम कर ली है, सिर्फ मुझे डेटा उठा के पोर्ट इन करना है। सर मेरे पास जो सारा काम का डेटा है सर वो ये है, इसके अलावा सर मेरे पास कोई डेटा काम का नहीं है, मैंने ईयर थ्री से देखना है। तो सर मेरे पास 10.8 मिलियन, 12.96 मिलियन और 15.552 मिलियन, सर ये मेरे पास सेल्स है तीनों साल की। सर मैं इसको प्लॉट इन कर दूँ। जी सर कर देते हैं। सर 10.8 मिलियन है आपके पास, सर आपके पास 12.96 मिलियन है, और सर आपके पास 15.552। सर आपका वेरिएबल कॉस्ट है, सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, वो भी सर अड़ू बड़ू ऊपर देखो वहीं पे ऐसे ही डाल दो। सर कितनी है? सर आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट 8,35,4,48,58,192,11,632,667 की। तो वेरिएबल कॉस्ट आ गई मेरे पास 8,35,4,400। फिर सर आपके पास ईयर टू की है 9,85,8,192। सर ईयर थ्री की आपके पास है 11,632,667। फिर आपके पास क्या है? सर फिर मेरे पास है फिक्स ओवरहेड है कुछ अदर देन रेंट एंड डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन तो मैं लूंगा ही नहीं। फिर वो कितना है सर? 551,250,578,813 और 607,753 753। उसके बाद ये आ गए कितने? 551,250,578,813 और सर 607,75। फिर सर आपके पास क्या है? सर मेरे पास एक है रेंट। सर रेंट भी हाथों हाथ लिख दूं? जी सर रेंट भी हाथों हाथ लिख दें। सर कितना है? सर ईयर थ्री में आप 7,26,000 देंगे, फिर 798,600 और 878,460। तो सर रेंट मेरे पास आ गया आपके पास 7,60,000, जो आप तीसरे साल में दे रहे होंगे जो मेल है फर्दर पीरियड का फर्स्ट ईयर होगा, 798,600 और सर आपके पास आ गया 878,460। अब क्या करें सर? अब सर मेरे पास क्या मैं डेप्रिसिएशन लूँ? नहीं सर, मैं डेप्रिसिएशन लेके फिर उसको एक टैक्स निकाल के फिर उसको टैक्स निकाल के फिर उसको वापस ऐड बैक करूँ। सर मैं डायरेक्ट टैक्स का जो रिलीफ है मैं वो अकाउंट फॉर करूँगा, ठीक है? तो सर मेरे पास आपका जो एक प्रॉफिट आया, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन,
एंड टैक्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, बेटा आपका क्या आ गया, ये सर मेरा जार्गन है आप बोले यूज कर लें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, सर वो आ गया 1168 350 का, जैसे मेरे पास आ गया 1724 395 और सर मेरे पास आ गया 2433120। सर ये आपके पास आ गया, अब क्या करना है सर, मैं इसके ऊपर टैक्स लगा लूँ 30% का, या 30% का सर इसके ऊपर टैक्स निकाल के मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, तो सर गवर्नमेंट को मैंने कितना पे करना है, क्योंकि सर टैक्स इज पेबल इन द ईयर इन विच लाइबिलिटी अराइजेस। सर ये 3,50,505 गवर्नमेंट को होंगे, भाई ये ले ले, फिर सर 5,17,319 ये गवर्नमेंट को दे देंगे, और सर 7,29,936। तो सर मेरे पास एक आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन रिलीफ, जो सर डेप्रिसिएशन का जो आपको रिलीफ मिलेगा सर वो कितना आया, सर आपके पास आ गया 8,17,845 का, सर आपके पास आ गया 1,207,076 का, और सर ये 1,703,184। अब सर आपके पास क्या रह गया, सर मेरे पास अब आ गया सर टैक्स रिलीफ ऑन डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन का मुझे टैक्स रिलीफ कितना मिला सर, ये ना मेरे पास सर एक मुझे मिला 2,10,938 का ईयर टू में, ईयर थ्री या ईयर थ्री में जो सर आपका ईयर वन था, और सर आपको मिला 158,203 का और 174,609 का। तो सर इसको सर मैं लिख दूँ जल्दी जल्दी, सर मैं इसको लिख देता हूँ सर 210,938। बेटा ये बेनिफिट है तो ऐड होगा, लेस मत कर देना, 158,203 और सर 174,609। तो सर आपके पास सर ये चीज़ एक तो ये आ गई, बाकी सर आपको क्या है सर एक चीज़ और है, क्या है सर डिस्पोजल प्रोसीड्स, डिस्पोजल प्रोसीड्स इक्विपमेंट जो सर आपने करा है सर कितने का सर था उसका, सर ये आपका फर्स्ट लाइन में गिवन था कि सर 1,000,000 का विथ अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 1,000,000 जो सर आपको एंड ऑफ द ईयर पे मिलेगी 1,000,000। तो सर आपके पास 1,000,000 यहाँ पर आ गया, तो सर आपके पास अब जो टोटल आ गया आपके पास जो सर नेट कैश फ्लो आ गया, नेट कैश फ्लो सर ईयर वन में आपके पास आ रहा है 1,028,783 का, सर उसके बाद वाले साल में 1,365,279 का, और सर यहाँ पर आ रहा है आपका 2,877,793 का। अब सर क्या करें, अब सर मैंने इसको सर डिस्काउंट फैक्टर है मेरे पास 16% पे, तो सर मैं क्या करूँ सर, इसको मल्टीप्लाई बाय 1.16 की पावर माइनस वन, इसको सर मल्टीप्लाई बाय 1.16 की पावर माइनस टू, और इसको मल्टीप्लाई बाय 1.16 की पावर माइनस थ्री। सर मैं क्या करूँ सर तीनों को एक साथ डालूंगा, तो सर आंसर हो सकता है थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंट हो, तो सर जो आंसर आया सर वो आपके पास आ गया 3,745,186। मतलब बेटा अगर मैं 3 साल इसको चलाऊं तो मुझे कोई 47,45,186 रुपये मिल जाएंगे, और सर आगे आज मैं इसको डिसकंटिन्यू करूँ तो 3,517,3,516,700 है, और सर अगर मैं इफ कंटिन्यू करूँ तो बेटा मेरे पास आता है, इफ कंटिन्यू करूँ मैं तो सर मेरे पास इफ कंटिन्यू का आ रहा है आपका 3,745,186। तो सर मेरे पास बेटर कौन सा है, सर मैं 37,00,000 रुपये कमाऊँ नेट प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में, जो आज मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू करके आज मैं उसको देख रहा हूँ सर वो 47,45,186 रुपये लूँ, या सर आज की डेट पे 35,16,700 रुपये लूँ, सर मेरे पास ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो सर मैं इसका आंसर लिख दूंगा कंटिन्यू एज अर्निंग, जो भी सर इसका डिफरेंस हो सर इसका डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से 2,28,486, कंटिन्यू अर्निंग 2,20,46 मोर, बट अपनी अपनी इंग्लिश के हिसाब से उसको लिख लेना ठीक है।
आई होप तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, अगर समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लेना। ये टैक्स सेविंग वाला, अगर किसी को कुछ चीज़ गड़बड़ हो लग रही हो कि भाई ये किस तरीके से ले लिया डायरेक्ट सर ने, टैक्स रिलीफ डाल दिया बेटा, ये वाला भी एक होता है, आई होप आप लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ होगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।